ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज़ टीवी, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें। नमस्कार, A1 न्यूज़ टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता मिश्रा। रामपुर से दानिश खान की रिपोर्ट के अनुसार यूपी के रामपुर के शहाबाद में ACMO के छापे से हड़कंप मच गया है। दरअसल मामला यह है कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर झोला छाप डॉक्टर की शिकायत किसी ने करी थी। इस शिकायत के बाद ACMO जब छापा मारने पहुंचे तो उनके पहुंचने से पहले ही झोला छाप फर्जी डॉक्टर दुकानें बंद करके वहां से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि एक ही लाइसेंस पर कई फर्जी क्लिनिक चल रहे थे जिनको CMO ने सील कर दिया है। देखिए, जो है मुख्यमंत्री पोर्टल पर जो है कुछ शिकायतें, झोला छाप की शिकायत यहाँ की प्राप्त हुई थी कि कई बहुत सारे झोला छाप यहाँ पे काम कर रहे हैं। उसी संदर्भ में जो है यहाँ पे औचक निरीक्षण किया गया। सबसे पहले मेरे द्वारा जो है इस्लामिया जूनियर हाई स्कूल के सामने कोई असलम नाम के व्यक्ति, पता चला कि वो प्रैक्टिस करते हैं, मगर उनकी दुकान जो है ताला लगा हुआ था। वहाँ किसी प्रकार का कोई बोर्ड भी वहाँ पर नहीं लगा था चिकित्सा। तो उसके बाद में जो है ये रिजवान हैं, ये इनकी पोर्टल पे शिकायत प्राप्त हुई थी कि ये जो है अवैध रूप से चिकित्सा व्यवसाय कर रहे हैं। हालांकि इनके प्रतिष्ठान पर पहले भी लगभग एक महापूर भी मेरे द्वारा छापा मारा गया था। तो इस प्रतिष्ठान का जो है क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के कार्यालय में पंजीकरण है। इनके पास फायर की NOC भी उस समय मौजूद थी और बायोमेडिकल वेस्ट की भी NOC भी इनके पास मौजूद थी, किंतु वो स्वयं मौके पर मौजूद नहीं थे जिनके नाम से रजिस्ट्रेशन। आज पुनः मुख्यमंत्री पोर्टल की शिकायत के संदर्भ में यहाँ पर छापा मारा गया तो ये दुकान मौके पर बंद पाएगी। अच्छा सर, ये अल्ट्रासाउंड पे जो आपने छापा मारा, क्या इसकी पोर्टल पर शिकायत थी? नहीं, इसकी कोई शिकायत नहीं थी, मगर ये जनरल शिकायत है कि वहाँ पर बहुत सारे झोला छाप इस तरह के हैं। तो इनका अल्ट्रासाउंड जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में रजिस्टर्ड है, इनका कोई कमी नहीं। अच्छा सर, एक बात बताइए, अधिकारियों के आपके आने से पहले ही ये सूचना ही मिल जाती है, समझता हूँ, तो ये बंद करके भाग जाता है? हमारे स्तर से कहना संभव नहीं है। हमारे द्वारा किसी को कोई भी किसी व्यक्ति को भी कुछ नहीं बताया जाता कभी भी। हमने तो अपने कर्मचारी को भी बाद में बताते हैं लास्ट में आके, मगर कहीं ना कहीं से तो इसका मतलब यह है कि सूचना लीक हुई होगी, जैसे वो या कहीं से भनक लगी। जैसे ही जो है कस्बे में गाड़ी आई तो गाड़ी के नंबर तो ज़्यादातर लोग पहचानते हैं। यूपी के रामपुर में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एवं जिला चिकित्सालय में साफ सफाई व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार इकाई पर जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह ने नाराजगी जताई। अधिशासी अधिकारी और नगरपालिका परिषद रामपुर द्वारा दोनों पर अलग अलग 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बताया जा रहा है कि जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह ने देर रात प्रभावित जनजीवन की जमीनी हकीकत का जायजा लेने के लिए शहर का भ्रमण किया, जिसमें जिलाधिकारी औचक रूप से जिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न वार्डो का निरीक्षण किया तथा निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि चिकित्सालय में भारी मात्रा में कूड़ा जमा हो रखा है, जिसके संबंध में उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को जुर्माने लगाने का निर्देश दिया। तो कल आपने देखा कि ओले पड़े थे, ठंड भी अचानक से बढ़ गई, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि जितनी जगहों पे क्रूशियल जगहों पे रहन बसेरे हैं उनकी व्यवस्था को ठीक किया जाए, और इस पे लगातार हम लोग लगे हुए थे। कल उसी का निरीक्षण करने के लिए मैं निकला था कि रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, अन्य सार्वजनिक स्थलों, हॉस्पिटल, जो क्रूशियल प्लेसेज हैं लोगों के होने के, उन जगहों पर व्यवस्था कैसी है रहन बसेरों की। कई जगहों पे व्यवस्था अपर्याप्त मिली, उस पर तत्काल सुधार भी कुछ किए गए और कुछ के लिए निर्देश दिए गए। आज उस पर इसीलिए मैंने अधिकारियों के बैठक की और आज ही उस पर काम लगवा भी रहा हूँ कि जो जो कमियाँ हैं उनको तुरंत दुरुस्त किया जाए और जो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है उसके अनुरूप काम किया जाए। उसी सिलसिले में जब हॉस्पिटल पहुँचा तो हॉस्पिटल इसके पहले मैं पाँच छः बार उन्हीं इसी मुद्दे को लेकर मैंने हॉस्पिटल में निर्देश दिए हैं। ख़ास तौर से जो वार्ड है, वार्डों के आसपास और मरीजों के आसपास की गंदगी को लेके, हॉस्पिटल से जो कचरा निकलता है उन सब चीज़ों को लेके और हॉस्पिटल के रहन बसेरे को लेके, वहाँ पे मुझे स्थिति फिर से उसी तरीके से बिगड़ी मिली। पूर्व में हमने FIR भी इसमें कराया हुआ है जो एजेंसी है उसके खिलाफ, उसके बावजूद इसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं मिला। इसलिए आज उसके सुपरवाइज़र को आज हमने जब तक व्यवस्था दुरुस्त नहीं होती तब तक के लिए अपनी कस्टडी में लिया, उसको व्यवस्था दुरुस्त कराएंगे। CMS को भी हम CMS के विरुद्ध शासन को लिख रहे हैं, उनको चार्जशीट भी इसी मुद्दे पे कर रहे हैं
और जो हॉस्पिटल में गंदगी है उसके लिए पेनाल्टी भी नगर पालिका के द्वारा इनके ऊपर लगाया जा रहा है, उसको ठीक दुरुस्त कराएंगे। हॉस्पिटल के ऊपर भी लगेगा और CMS के ऊपर भी लगेगा, क्योंकि ये 5 बार हो चुका और 5 बार के बाद भी उनके अंदर कोई सुधार नहीं हुआ है। जो संबंधित ठेकेदार है उसके ऊपर भी पेनाल्टी लगेगी और उसकी उसको ब्लैकलिस्टेड करने के लिए शासन को लिखा जाएगा। इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहें एवन न्यूज़ टीवी से। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें एवन न्यूज़ टीवी, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें।